Hello everyone and a very warm welcome to An Academy. How are you all? I hope every one of you is fine guys. Just give me a second. Okay. So guys, this is the part 2 of detailed discussion of the HCS exam that was conducted in 2021 and which stands cancelled. तो अब जुलाई 10 को हमारा जो है एग्जाम जो है दोबारा से होगा बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तो वो पेपर सूटेबल है ही है ना. ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल हो गया है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे. तो बेटा उसको हम डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपका टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहेगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है. पार्ट वन आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है लिंक, एंड लेक्चर के लास्ट के अंदर भी मैं उसको पिन कर दूंगा तो वहाँ पर पार्ट वन को भी देख लीजिएगा. डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर जनरली पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है. और स्टेट सर्विसेज के अंदर तो हम देखते हैं अगर हम पिछले 4-5 साल के पेपर कर लें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इश्यूज वहीं से रिजॉल्व हो जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. पहला क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटो हरप्पन कल्चर. इनमें से क्या प्रोटो हरप्पन कल्चर नहीं है? नहीं है. ये नॉट वर्ड जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं उनके पीछे इस वर्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है तो ध्यान रखिएगा. सो अमरीकल्चर, सोथी कल्चर, कोट डीजी और जॉब, इनमें से क्या आंसर है बेटा? जो आपका नॉट अ प्रोटो हरप्पन कल्चर है तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जॉब कल्चर. जॉब बेटा बेसिकली एक कैलकोलिथिक कल्चर साइट है जो आपका आपको बलूचिस्तान के पास बेसिकली डेवलप हुआ था ठीक है. प्रोटो हरप्पन बेसिकली क्या होता है पहले तो अब ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटो हरप्पन है क्या. ये जो टर्म है प्रोटो हरप्पन इसका क्या मतलब है? तो प्रोटो हरप्पन होता है बेटा, प्रोटो हरप्पन कल्चर्स आर द प्री हरप्पन कल्चर्स. प्री हरप्पन कल्चर्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली प्री हरप्पन माने कि जो मेच्योर हरप्पन कल्चर्स या जो प्रॉपर हरप्पन कल्चर्स डेवलप हुए जो आपका हरप्पन हरप्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर ठीक है उनके फीचर्स हैं लेकिन हरप्पन कल्चर से पहले एग्जिस्टेंस के अंदर आ गए थे. जो डेट है इनका वो हरप्पन से पहले का है ठीक है. लेकिन इनके अंदर जो मेच्योर हरप्पन फेज है उसके कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोटो हरप्पन कल्चर है वो सारे के सारे क्या है? प्री हरप्पन वंस है. बट ऑल प्री हरप्पन वंस आर नॉट प्रोटो हरप्पन. अब हरप्पा से पहले तो और भी बहुत सारे कल्चर्स रहे. जैसे अगर मैं बात करूं जॉब कल्चर की तो जॉब कल्चर जो है वो प्री हरप्पन कल्चर तो है लेकिन प्रोटो हरप्पन कल्चर नहीं है. क्योंकि किसी भी प्री हरप्पन कल्चर को प्रोटो हरप्पन कल्चर होने के लिए क्या नेसेसिटी है कि उसके अंदर जो मेच्योर हरप्पन फेज था उसके कुछ फीचर्स रहेंगे. तो जॉब के अंदर आपको वो हरप्पन फेज के फीचर्स नहीं मिलते हैं. दैट इज व्हाई दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोटो हरप्पन कल्चर ठीक है. सो अमरी कल्चर सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस के अंदर, कोट डिजन कल्चर सिंध प्रोविंस के अंदर, सोथी सिसवाल हरियाणा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट प्रोटो हरप्पन साइट्स हैं इंडिया के. यहां पर आप मैप भी देख सकते हो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशनड है. अमरीनाल एरियाज ऑफ अर्ली हरप्पन सेटलमेंट, दाम सदत, कोट डीजी, सिसवाल, ओके, जो इस मैप के अंदर बेसिकली हाईलाइटेड है. चलिए नेक्स्ट आ जाए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को आते नहीं होते हैं पेपर के अंदर ठीक है. लेकिन अगर एनसीईआरटी वगैरह प्रॉपर पढ़ी हुई हो तो इजीली हो जाता है. हिस्ट्री अगर ढंग से पढ़ी है तो हु लेट द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर फारूक सियार्स कोर्ट ठीक है. बेसिकली परमिशन वगैरह कुछ मांगने गए थे तो कौन गया था इंग्लिश कंपनी की एम्बेसी को लीड करते हुए फारूक सियार के पास? सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन सुरमैन. जॉन सुरमैन ठीक है. सो बेसिकली 1714 के अंदर जॉन सुरमैन आए थे पहले मुगल कोर्ट के अंदर. ये आए थे विलियम हैमिल्टन के साथ. विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर थे और फारूक सियार को कोई बीमारी हो गई थी जिसको आज तक डिस्क्लोज नहीं किया गया. हिस्टोरियंस ने मेंशन नहीं किया कि क्या बीमारी उनको हो गई थी. सो देर वॉज सम अनडिस्क्लोज डिजीज जिससे एम्परर सफर कर रहे थे और उसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली विलियम हैमिल्टन जो है वो आए थे ठीक है. तो जॉन सुरमैन भाई साहब भी साथ में आए थे और जॉन सुरमैन ने बड़ा जो है ट्राई किया कि फारूक सियार जो है कुछ डिमांड्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पूरी कर दें. तो जुलाई 1717 के अंदर एम्परर ने कुछ फरमान इशू किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये फरमान जो है मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो गई थी। तो एम्परर का क्या फरमान था या रॉयल ऑर्डर था, इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनको अलाउ किया गया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके बंगाल में। ठीक है, उनको बस क्या बोल दिया गया कि आपको हर साल जो है 3,000 रुपए पे करने हैं और उसके अलावा आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, और 1 लाख रुपए उनको बोला गया कि वो वन टाइम सेटलमेंट देंगे जो भी उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं सूरत फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, एंड ड्यूटी फ्री ट्रेड विदाउट एनी कंसिडरेशन विद इन द हैदराबाद स्टेट एज वेल। तो बंगाल के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया, उसके लिए उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए पर एनम हम आपको पे करेंगे, और हैदराबाद के अंदर तो कंप्लीटली ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है वो कंपनी को अलाउ कर दिया। उसके साथ साथ कंपनी को अपनी करेंसी तक मिंट करने की परमिशन जो है वो दे दी गई। ठीक है, एट बॉम्बे, और वो करेंसी को थ्रू आउट इंडिया वो यूज कर सकते हैं। बेटा देखो, सबसे कमजोर सरकार तब हो जाती है जब वो किसी दूसरे को अपनी करेंसी यानी कि पैसे के ऊपर ही सरकार का कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर पार्ट था, एक बहुत मेजर एरिया था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहरार मूवमेंट आर ट्रू। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे अगर आप देखते हो ना हिस्ट्री के, अगर आप एचसीएस के क्वेश्चंस देखते हो पिछले सालों के भी, तो क्वेश्चन नेशनल लेवल की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की हिस्ट्री को फोकस किया हुआ है, नेशनल लेवल पे हिस्ट्री को फोकस किया है, लेकिन बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे बड़े इंसिडेंट्स के ऊपर से ही, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया या नेशनल जो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, कि हमेशा उधर से ही सवाल आएंगे। बहुत छोटे छोटे एरियाज से भी कई बार सवाल आते हैं, और ये जनरली जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या वेरियस इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रह जाते हैं। तो अरहर मूवमेंट, अगेन एनसीईआरटी पढ़ी हुई हो तो इजीली हो जाता है। अरहर मूवमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा गया कि क्या ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है कि वन ऑफ इट्स फाउंडर्स वॉज मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इट मेंबर्स एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है इसको अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर फाउंडेशन इसका रखा गया था। स्टेटमेंट नंबर 4 है इसका इट सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, लॉयलिस्ट बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जो एक आइडिया था वो क्या था कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला आइडिया था। ठीक है, लॉयलिस्ट अप्रोच थी। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, तो अगर आपको 4th स्टेटमेंट का पता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इजीली आपका आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन से ही। 4th स्टेटमेंट इसमें कंप्लीटली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अपोज करती थी लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स को अलीगढ़ मूवमेंट की। तो जहां पर भी 4th स्टेटमेंट है, हमसे क्या पूछा गया, ट्रू। तो जहां पर भी 4th स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, आंसर इजीली हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, एचसीएस के पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पर बहुत इजी एलिमिनेशन हो जाता है अगर एक भी स्टेटमेंट बंदे को पता हो। ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बी। ऑलराइट, सो अरहर मूवमेंट 1910 में फाउंडेशन हुई। लीडरशिप के कौन कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खार एंड मजर उल हक। बेटा ये पांचों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इस बार तो मौलाना मोहम्मद अली लिख दिया, हो सकता है कि अगली बार कोई स्टेटमेंट दे तो उसके अंदर हकीम अजमल खान लिख दे या हसन इमाम लिख दे या मौलाना जफर अली लिख दे। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हो उसमें इंपॉर्टेंट है, आप हिमाचल का देना चाहते हो, यूपी का देना चाहते हो, राजस्थान का देना चाहते हो, किसी भी और स्टेट का देना चाहते हो, आप ईपीएफओ का पेपर देना चाहते हो, सीडीएस का पेपर देना चाहते हो, सीएपीएफ का पेपर देना चाहते हो, हर एरिया के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अपोज द लॉयलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने बेटा जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसकी लॉयलिस्ट पॉलिसीज को भी कंप्लीट ऑपोजिशन जो है वो किया। इट वाज मूव्ड बाय द आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने कंटिन्यूअसली जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर उसको एनकरेज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सूफी सेंट्स, अगेन डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। नजीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, शेख मुनीनुद्दीन सिद्दीकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो बेटा अगर एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी है तो वो इजीली इसको कर सकता है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आए थे आपके, मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं, सबसे पहले आए थे आपके शेख
मोइनुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद आए आपके बाबा फरीद, उसके बाद आए आपके निजामुद्दीन औलिया एंड उसके बाद आए आपके नजीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ये टेबल एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर मेंशनड है, मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला के अंदर। तो शेख मोइनुद्दीन सिद्दीकी जो है 1235 में आए, और इनका जो दरगाह है वो आपका अजमेर के अंदर लोकेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पर दरगाह लोकेटेड है, ठीक है। बीच में यहाँ पर आपके बाबा फरीद जो है वो भी आए, ठीक है, बाबा फरीद आफ्टर शेख मोइनुद्दीन सिद्दीकी। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 के अंदर आए थे, सेम पीरियड था दिल्ली के अंदर। शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर 1265, ये है बेटा अजोधान पाकिस्तान के अंदर, अब तो पाकिस्तान हो गया, उस टाइम पर तो एक ही था। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 के अंदर दिल्ली में, और शेख नजीरुद्दीन चिरागे दिल्ली दिल्ली के अंदर 1356 में। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हु असैसिनेटेड स्टीवंस द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ टिपेरा विच इज नाउ कॉल्ड एज त्रिपुरा इन 1931। ऑप्शन ए कल्पना दत्ता एंड सुहासिनी गांगुली, ऑप्शन बी प्रीतिलता वाडेकर एंड कल्पना दत्ता, ऑप्शन सी शांति एंड सुनीति चौधरी, ऑप्शन डी बीना दास एंड बसंती देवी। सो लेट अस सी, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी ने बेसिकली असैसिनेशन जो है वो किया था स्टीवंस का, हु वाज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा 1931 में। सो शांति घोष कैलकटा में जन्म हुआ टू अ नेशनलिस्ट दिबेंद्र नाथ घोष, ठीक है, कोमिला के अंदर, बेसिकली जो आपका बांग्लादेश में है वहां पर शी वॉज ब्रॉट अप एंड शी स्टडीड इन फैजुनेसा बालिका विद्यालय। 1931 के अंदर इन्होंने एक संघ फाउंडेशन किया अलॉन्ग विद प्रफुल्ला नंदिनी ब्रह्मा, जिसका नाम था छत्री संघा, छात्री संघा, और ये इस छात्री संघा की सेक्रेटरी बनी, जिसके प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ला नंदिनी ब्रह्मा, ठीक है। और ब्रह्मा का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था घोष के ऊपर, एंड ब्रह्मा ने ही जो शांति घोष है इनको इंस्पायर किया था टू ज्वाइन द जुगांतर पार्टी एज वेल। तो ये भी याद, अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं कि शी ज्वाइंड द रेवोल्यूशनरी जुगांतर पार्टी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ ज्वाइन किया था, ठीक है। और ट्रेनिंग उनकी शुरू हो गई फायर आर्म्स एंड स्वॉर्ड्स के अंदर, काफी पेट्रियोटिक थी, और उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को धक्के मार के इस देश से बाहर निकालना पड़ेगा। 14 दिसंबर 1931 को 15 साल की उम्र में शी वॉक्ड इन टू द कोमिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस अलॉन्ग विद हर एसोसिएट सुनीति चौधरी, जो अगेन 14 साल की थी, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली ये बोला कि हमें एक पेटिशन करनी है, उस टाइम पर डीएम होते थे चार्ल्स स्टीवंस, ठीक है, स्विमिंग कंपटीशन के लिए हम एक पेटिशन करना चाहते हैं तो हमें उनसे मिलना है। तो जैसे ही वो उनके कमरे के अंदर एंटर हुए, उन दोनों ने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल्स निकाली एंड दे शॉट स्टीवंस डेड। ओके, साथ ही इन गर्ल्स को अरेस्ट कर लिया गया और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, क्योंकि दे वर नॉट एडल्ट्स, तो उनको सजाए मौत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा हुई, ठीक है। एंड घोष काफी डिसअपॉइंटेड थी इस चीज से कि उनको सजाए मौत क्यों नहीं हुई, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अ मार्टिर। ओके, डीएम स्टीवेंस को जाना जाता था फॉर द अब्यूज ऑफ हिज पावर। घोष ने 7 साल जेल के अंदर काटे वेयर शी वॉज अब्यूज एंड ह्यूमिलेटेड। 1939 में शांति घोष को जेल से रिलीज कर दिया गया बिकॉज ऑफ अ ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी। ओके, और रिलीज होने के बाद शांति घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। कई बार ना वो इस तरह की स्टेटमेंट्स डाल देते हैं कि शांति घोष आफ्टर शी वॉज रिलीज ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब पता होगा तभी तो बताओगे कि किया या नहीं किया। कम्युनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर बनी 1952 से 62 तक, और फिर 67 से 68 तक, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो राज्य जो बेसिकली विधानसभा होती है उसकी भी मेंबर थी 62 से 64 तक। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अरुण बाहिनी, जिसका क्या नाम है अरुण बाहिनी, तो याद रखिएगा, ये भी कई बार इस टाइप की स्टेटमेंट्स भी पूछ लेता है। एंड अल्टीमेटली शी डाइड इन 1989, ठीक है। तो देख रहे हो ना हमारी यहां पर बेसिकली अप्रोच क्या है कि एक क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, अब उस क्वेश्चन के आजू बाजू का जो है वो हम सब कर लें, ताकि से देखो क्वेश्चन आना तो बेटा सेम लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। अब हर साल पेपर होता है, आपको क्या लगता है कि हर साल क्या कोई वो नया इतिहास क्रिएट कर देगा, आना तो सेम चीज के ऊपर ही है। बस कभी कान को ऐसे पकड़ना है तो कभी कान को ऐसे पकड़ना है, आपको समझ में आना चाहिए कान को किस तरीके से वो पकड़ सकता है। जिस दिन आपको वो समझ में आ गया तो ये प्रीलिम व्रीलिम तो सब आपके लिए हाथों का जो है सफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
ऑल राइट, तो अब पार्ट थ्री के अंदर और ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, फटाफट से आपको ये सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689, कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं, आप मैसेज करें उसके बाद हम कॉल शेड्यूल कर लेंगे। टेलीग्राम चैट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, कॉल शेड्यूल कर सकते हो, मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर, एंड लिंक टेलीग्राम का नीचे पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल होगी बेटा, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।